चलो करता हूँ। दिलीप जी, टप्पू का एक नए टप्पू की शुरुआत हो रही है, नए उनकी करियर की शुरुआत हो रही है गोकुलधाम सोसाइटी से। आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह से देख रहे हो इस नए टप्पू को? हमारे लिए तो नया टप्पू तो मतलब टप्पू टप्पू है, कैरेक्टर वाइज तो नए एक्टर आए हैं नए इस किरदार को निभाने के लिए। तो बस मैं इनसे यही कहूँगा नीतीश जी को कि ऑल द बेस्ट एज अ वेरी एंथुजियास्टिक एक्टर, और बस पूरी टीम उनको मिलके हम कोशिश करेंगे कि सब मिलकर के ऐसे सीन हम कर सके कि लोगों का मनोरंजन हम कर सके। इतने सालों से जो करते आ रहे हैं तो होपफुली लोगों को मज़ा आए, ऐसे आसिफ भाई सीन बनाएंगे या राइट राइटर के साथ मिलके और हम उनको न्याय दे सके एज एन एक्टर। आपसे जानना चाहूँगा दिलीप जी के साथ किस तरह से अब तक की शूटिंग के दौरान किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है आपका? एक्चुअली सर का जो कैरेक्टर वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है टीवी में, और जेन्युइनली बोलूँ सर लिविंग लेजेंड है। मतलब सर को स्क्रीन पे देखना इस अल्टीमेट, कि सर के न्यूएंसेस, सर का स्पॉन्टेनिटी, सर का इम्प्रोवाइजेशन इस अल्टीमेट। तो एज एन एक्टर ऑल्सो तो क्या है कि जैसे सर मैंने सर के साथ स्क्रीन शेयर करा, सर के साथ जो मेरा एक्सपीरियंसिस रहा, मैंने इतना सीखा है और सर ने मुझे एक बहुत प्यारी चीज़ सिखाई है जो कि सर मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ सीखने की, मैं अभी भी नहीं सीख पाऊँ। सुनना, लिसनिंग, हम लाइफ में सुन भी नहीं पाते कि किसी से हम बात कर रहे हो तो हम सुन नहीं पाते। अभी मैं कुछ और, आप लोग कुछ और सोच रहे हो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या पूछेंगे, तो अभी एक्चुअली आप मेरी बात नहीं सुन रहे। तो ऐसा यही चीज़ इन्होंने मुझे सिखाई एज एन एक्टर भी, जब हम कोई सीन करते हैं सामने वाले एक्टर की, जब तक हम सुनेंगे तब तक हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स नहीं आएगा, रिस्पॉन्ड नहीं आएगा। तो वो चीज़ इनकी सबसे पहली सीख थी। वैसे ही अभी मुझे बहुत सारी सीख उनसे मिलने वाली है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं बहुत सीखने के लिए रेडी भी हूँ, मेहनत करने के लिए भी रेडी हूँ। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग देयर, रियली सर बहुत सीखना है सर आपसे। सबसे इम्पोर्टेंट जिस तरह आपने कहा मुझे अभी, और क्या ऐसी कोई क्वालिटी है जो सर से आप सीखना चाहोगे? जिस तरह आपने लिसनिंग की एक क्वालिटी बताई, हाँ, और कोई ऐसी क्वालिटी सर की? टू बी इन द मोमेंट, टू बी इन द मोमेंट लाइक एज अ कैरेक्टर। जैसे अभी हम यहाँ पे हैं तो मैं एज अ नीतीश आपसे बात कर रहा हूँ या एज अ टप्पू आपसे बात कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं आपसे टप्पू की तरह बात करूँ तो मेरा थॉट प्रोसेस भी टप्पू की जैसा होना चाहिए, तो मैं आंसर भी टप्पू की जैसा करूँ, ना कि नीतीश की तरह करूँ। तो सर के अंदर ये बहुत नेक्स्ट लेवल क्वालिटी है, तो मैं सर से ये भी ज़रूर सीखना चाहूँगा। और मैं इसके लिए क्या करता हूँ, जेन्युइनली मैं क्या करता हूँ, जब हमारा जब सर का क्लोजेस चल रहा होता है तो मैं बैठता हूँ वहाँ पे मॉनिटर पे, यही चीज़ सीखने के लिए कि सर कैसे पकड़ते हैं, कैसे ऑन स्पॉट सीन में मतलब इम्प्रोवाइज बनाते हैं। सर अभी हम यहाँ टप्पू के लिए जमा हुए तो मेरी तारीफ अभी बंद करते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। नहीं सर कभी ख़त्म नहीं। सर पिछले एक साल में कई सारे बदलाव हुए एज ए कैरेक्टर वाइज, पर जिस तरह का एक्सेप्टेंस और जिस तरह का प्यार कंटिन्यू रहा है इतने सालों से, ओवर एंड डेकेड, सर आप किस तरह, स्पेशली आपके किरदार को सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है, आप किस तरह से देखते हो इस प्यार को लोगों की तरफ से? नहीं, मैं तो जितना भी हमारे जो दर्शक हैं उनका जितना शुक्रगुजार हम करें उतना कम है, क्योंकि पिछले इस जुलाई में 15 साल कंप्लीट होंगे इस सीरियल को, तो लोगों ने मतलब बेतहाशा हमें प्यार दिया है, आज भी करते आ रहे हैं। जब भी बाहर कोई मिलता है तो इतना आशीर्वाद हमें देते हैं, बड़े बुजुर्ग हो बच्चे हो, इतने प्यार से मिलते हैं। तो मैं समझता हूँ ये कोई डिवाइन फोर्स है जो काम कर रहा है कि 15 साल तक ये कोई सीरियल का चलना और लोगों का प्यार इतना बरकरार रहना, ये वाकई में, हालांकि नो डाउट सबकी मेहनत है, सब कहेंगे कि भाई सब मिलकर के मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो राइटर्स है आसिफ भाई है, जो एक उनको डे टू डे लेवल पे जो एक नई नई चीज़ें सूझना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो ऊपर वाले की कृपा है कि वो कुछ नई नई चीज़ें वो सुझाता है, तब जाके इंटरेस्टिंग एपिसोड्स बनते हैं और लोगों का मनोरंजन होता है।
दिलीप जी सबके रिप्लेसमेंट मिल गए, पर एक रिप्लेसमेंट अभी भी लोगों की तरफ से चर्चा होती है, दया भाभी की। आप अगर कुछ उसमें कहना चाहोगे, काफ़ी लोग मिस करते हैं उनको, टेलीविजन पे काफ़ी मिस किया जाता है, वो किरदार को काफ़ी मिस किया जाता है, उस पर अगर कुछ कहना चाहो। क्या कहूँ, आप बोलिए, क्या सुनना चाहते हैं आप कि कब रिप्लेसमेंट होगा? कि अगर वो तो आसिफ भाई बता सकते हैं क्योंकि इस शो के सर्वे सर्वा वो ही है, तो क्या वो रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, कोई नए किरदार को कास्ट करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, वो तो वही बता सकते हैं। मैं बता रहा कि एक्टर या डेफिनेटली आई मिस द कैरेक्टर ऑफ दया, बिकॉज इट वाज अ लॉन्ग स्पेल। दया जेठा के काफ़ी मज़ेदार सीन्स आप लोगों ने इतने सालों से देखे हैं, तो जब से दिशा जी गए हैं तब से ऑफकोर्स दैट पार्ट, दैट एंगल, दैट funny part has been missing. Yes. The you know the chemistry between Jetha and Daya has been missing, aur log bhi wahi kehte hain, but yeah, let's see. I'm always positive, Asit bhai is always positive, so you never know, you know what happens, maybe something interesting, something positive might happen. Kal kisne dekha hai, so aaj jo hai bas hum karte ja rahe hain. Specially wo window ka jo scene hai, kafi baar wo shoot hua hai aur वो पर्टिकुलर सीन को काफ़ी लोग मिस करते, आप कितना मिस कर पाते हो ऑन सेट वो सीन को, जब जब भी आप ऑफिस जाते थे पीछे से दया भाभी आपको बुलाती थी और ये खिड़की में बबीता जी रहती थी, वो एक जो ट्रायो सीन होता है उसको काफ़ी मिस किया जाता है, आप कितना मिस करते हो उस शॉट को? नहीं ऐसे तो देखिए, अभी पिछले 14 साल में 3700 एपिसोड्स हमने किए हैं, तो इस तरह के ये एकाध दो नहीं, मतलब कितने सारे सीन्स हैं जो बहुत ही मज़ेदार सीन्स हो गए हैं, हो चुके हैं, और बहुत ही मज़ेदार ऐसे सीन्स हमने किए हैं, मज़ा आता है। बट या लेट्स सी, आई मीन फ्यूचर में मिस तो करेंगे डेफिनेटली, एज एन एक्टर आई डू मिस, बिकॉज देर इज़ सर्टन काइंड ऑफ केमिस्ट्री बिटवीन द एक्टर्स और उसी से पूरा एक सीन बनता है, तो या डेफिनेटली आई डू मिस सर। या थैंक यू सो मच and all the best for your journey. Thank you.